हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 2 साल के बच्चों के लिए एक सैम्पल फूड चार्ट। मेरा बेटा 23 महीने कंप्लीट कर चुका है, अगले मंथ वो 2 साल का हो रहा है। तो करेंटली वो क्या खाता है, उसके पूरे दिन का खाने का रूटीन किस हिसाब से होता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगी। अगर आपके बच्चे सिमिलर एज के हैं या होने वाले हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी 6 to 7 months फूड चार्ट, 8 to 10 months फूड चार्ट एंड 11 to 12 months फूड चार्ट भी डाला हुआ है। इनफैक्ट 1 to 2 year फूड चार्ट एंड रूटीन वीडियो भी है, जो आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं अगर आपके बच्चे उस एज के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। तो इफ यू आर इन इंग्लिश व्यूअर, देन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस टॉपिक विल बी पोस्टेड ऑन आवर चैनल टुमारो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने कॉमेंट्स नीचे पोस्ट करके हमसे अपनी क्वेरीज पूछो या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करो, जहां हम काफी क्विकली रिप्लाईज देते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैम्पल फूड चार्ट दिखाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अपने बेटे की एज बता दी, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। टिपिकली 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए आप ये फूड चार्ट ईजिली फॉलो कर सकते हो, इनफैक्ट उससे बड़े बच्चों के लिए भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भी कुछ मेजर चेंजेस हम कबीर के फूड में करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब कबीर प्रिटी मच फैमिली फूड पे आ गया है, जो हमारे लिए बनता है वही खाना मोस्टली उसके लिए भी बनता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसका खाना हम पहले निकाल के फिर स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। तो करेंटली हम कबीर को नमक देते हैं, हल्दी देते हैं, गरम मसाला भी बहुत कम देते हैं, काली मिर्च दे देते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें हमने देना स्टार्ट कर दिया है। बट जो एक चिलीज़ होती है ना, जैसे रेड चिली हो गया या ग्रीन चिली हो गया, ये हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, ये धीरे आने वाले टाइम्स में हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली बाकी सब चीज़ें हम उसे प्रिटी मच जो है वो दे रहे हैं। हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो नॉन वेज में अभी हम उसको फिश, एग, चिकन और थोड़ा बहुत मटन भी अब दे देते हैं। बट चिकन और फिश वो काफ़ी ज़्यादा खाता है, एग हफ्ते में 2 से 3 बार खा लेता है और मटन थोड़ा बहुत खाता है। बट आने वाले टाइम्स में हम बाकी नॉन वेज वेराइटी भी डेफिनेटली उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम नोएडा में रहते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न इंडियन रीजन में फॉल करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये फूड चार्ट बनाया है। आप इस फूड चार्ट को एज अ गाइडलाइन लें और इसे टोटली आप कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिस योर कल्चर, बेसिस योर रीजन, आप जहाँ पे रहते हैं, आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस। सो जस्ट टेक इट एज अ गाइडलाइन, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना है, ये प्योरली मेरा एक्सपीरियंस है विद माई चाइल्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आप थोड़े आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और बेसिकली आपका व्यू पॉइंट इस फूड चार्ट को देखने का होना चाहिए बच्चों की मील प्लानिंग करना, कि कैसे आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 4 दिन उन्हें हर तरह की मील्स दो, हर तरह का न्यूट्रिशन दो, स्पेशली प्रोटीन्स जो ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी फैट, कार्ब्स, सीजनल फूड्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको उनकी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड, जब आप एक फूड चार्ट प्लान करते हो तो आप ये भी प्लान कर पाते हो कि बच्चा सारी हैवी मील्स नहीं ले रहा, क्योंकि कई बार हम इंस्टेंटली जब सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या बनाना है तो कहीं ना कहीं हम कुछ हैवी मील्स बना के दे देते। तो ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस कि एक मील अगर हैवी हो गई है तो एक मील थोड़ा लाइट दो, नहीं तो इस एज में बच्चों को पेट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस वगैरह हो जाती है। तो आप बस ये ध्यान रखो कि जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, वो सबसे हैवी मील होना चाहिए एंड हाई प्रोटीन मील हो, जो लंच है वो थोड़ा लाइट हो और जो डिनर है वो काफी लाइट मील हो। सोने से पहले आप बच्चों को एक दूध की बॉटल दे सकते हो, जिससे कि उनको रात को सोने में काफी आराम मिलता है, नहीं तो इतना ज़्यादा सॉलिड्स लेने की वजह से काफ़ी बच्चों को डिसकंफर्ट होता है रात को और वो काफ़ी ज़्यादा उठते हैं, जिससे पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो मैं पहले शेयर करना चाहती थी, आइए अब फूड चार्ट डिस्कस करते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही जनरली कबीर प्रेफर करता है दूध पीना, बट ऐसे भी दिन होते हैं जब उसे दूध नहीं पीना होता, विच आई एम एब्सोल्युटली ओके विथ, क्योंकि वो पूरे दिन में 2 से 3 बार दूध पीता है। तो कभी कभी वो दूध मॉर्निंग में मांगता है और फिर आफ्टरनून में पीता है, या फिर आफ्टरनून में पीता है और रात को पीता है, या फिर मॉर्निंग एंड नाइट में पीता है। बट ओवरऑल इन अ डे वो 2 बार दूध पीता है, विच आई एम एब्सोल्युटली ओके विथ, क्योंकि इसके अलावा मैं उसे और भी डेयरी प्रोडक्ट्स देती हूँ। बट अगर स्टार्ट ऑफ द डे में ही बच्चे दूध पीना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये दूध अपने आप में ही एक होलसम फूड है, तो आप एक अच्छा बॉटल हल्के गर्म दूध का बच्चे को दें जिससे वो काफ़ी एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे। मॉर्निंग में जो आप बच्चों को दूध देते हैं उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप शुगर डाल के बच्चे को दे सकते हैं। शुगर भी एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऐसा बोला जाता है कि शुगर इज़ बैड फॉर हेल्थ, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप दिन में बच्चे को मैक्सिमम 2 से 3 चम्मच शुगर दे रहे हो ओवरऑल इन अ डे, तो इट्स नॉट बैड फॉर देयर हेल्थ। इसके अलावा आप हल्दी भी डाल के दे सकते हो, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा हल्दी वाला दूध भी दिया जा सकता है, बट जनरली हल्दी वाला दूध रात के लिए होता है। बट अगर आपको देना हो तो कर सकते हो, केसर डाल के दूध में दे सकते हो, ड्राई फ्रूट पाउडर बना के डाल के दूध में दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑप्शंस होता है जो दूध के साथ मिक्स करके बच्चे की बॉडी में चला जाता है। अब मान लीजिए कि किसी किसी दिन उसका मन नहीं है दूध पीने का, तो मैं उसे थोड़ा पानी पिला के या तो फिर कोई सीजनल फ्रूट दे देती हूँ या फिर उसको ड्राई फ्रूट या नट्स दे देती हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कितना बड़ा है आप अकॉर्डिंगली ये दे सकते हैं। जैसे कबीर को किशमिश खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिसेंटली उसने स्टार्ट किया, तो कुछ पीसेस किशमिश के खा लिए, उससे भी बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। या फिर बनाना, एप्पल, पपाया, कुछ ऐसी चीज़ उसने खा ली जिससे उसको एक इंस्टेंट फ्रेश स्टार्ट अपने डे का मिल जाता है, और मुझे भी मिल जाता है कि जब तक उसका ब्रेकफास्ट बन रहा है तब तक उसका स्टमक खाली नहीं है, नहीं तो उसकी एनर्जी लूज आउट हो जाती है। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी, तो ब्रेकफास्ट आप कोशिश करो, मतलब जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है प्रायोरिटी वाइज आप देखो तो कोशिश करो कि एकदम फ्रेश होममेड गरम गरम नाश्ता बच्चे को मिले, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों को जनरली पराठे खाने काफ़ी अच्छे लगते हैं, और इस स्टेज में बच्चों को पराठे खाने की थोड़ी आदत भी आपको डालनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जितना वो खुद खाना सीखेंगे, पराठों को रोल करके खाना भी ईजी होता है, उतना ही आगे जाके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए ट्रांजिशन काफ़ी आसान होगा। तो पराठे आप बटर के साथ दे सकते हो, आप दही साथ दे सकते हो, आप किसी भी तरह की चटनी के साथ दे सकते हो, और परांठे आप किसी भी चीज़ के बना सकते हो, आलू का परांठा, मिक्स्ड वेज परांठा, पनीर परांठा, दाल परांठा, पालक, मेथी, गोभी, एवोकाडो का भी परांठा बनता है, ये मैंने रिसेंटली पता किया और मैं कबीर के लिए भी ट्राई करने वाली हूँ। तो बेसिकली हर तरह के परांठे बन सकते हैं, गरम गरम परांठा जिसको जब आप दही के साथ बच्चे को सर्व करोगे तो उसको कैल्शियम, प्रोटीन, हर चीज़ साथ में मिल जाता है। इसके अलावा कभी कभी चेंज के लिए आप कोई ना कोई साउथ इंडियन डिशेस ट्राई कर सकते हो, जैसे कि सांबर के साथ आपने इडली बना दी, या आपने डोसा बना दिया, या फिर आपने उत्तपम बना दिया, ये ऑप्शंस भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी आप फॉर अ चेंज पैनकेक्स या वॉफल्स भी ट्राई कर सकते हो। वॉफल्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पैनकेक्स आप बहुत ईजिली बना सकते हो। पैनकेक को हिंदी में मीठा पूड़ा भी बोला जाता है, तो आप उस तरह से भी उसे बना सकते हो, अदरवाइज पैनकेक्स बना लो, पैनकेक्स भी बहुत हेल्दी है। किसी किसी दिन आप एग बेस्ड ब्रेकफास्ट दे सकते हो, एग बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और बच्चों के लिए फ्रॉम अ मेमोरी स्टैंडपॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। और एग बहुत अलग अलग तरह से बच्चे खाते हैं, आप फ्रेंच टोस्ट दे सकते हो, स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हो, बॉइल्ड एग दे सकते हो, ऑमलेट बना के दे सकते हो, एग का पराठा बना के दे सकते हो, तो ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। किसी दिन आप बच्चों को चीला बना के दे सकते हो, चीला की काफ़ी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे हैं, जैसे सूजी का चीला बना दिया, बेसन का चीला बना दिया, ओट्स का भी चीला बनता है, रागी का चीला बनता है, दाल का चीला बनता है। और चीला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को हिडन वेजिटेबल्स देने का, जो मर्जी चाहे वेजिटेबल्स को छोटा छोटा काट के या ग्रेट करके चीले के थ्रू आप बच्चे को दो, तो एक अच्छा स्टार्ट बच्चे को मिलता है। कुछ बच्चों को उपमा पोहा खाना भी बहुत अच्छा लगता है, आप वो दे सकते हो। किसी किसी दिन आप सेवियाँ दे सकते हो, तो ये जो नमकीन सेवियाँ होती हैं इसमें भी आप वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हो। और बहुत ही रेयरली कोशिश करो कि मतलब आप ज़्यादा ये ना दो, बट आप चोकोस या कॉर्नफ्लेक्स बच्चे को दूध के साथ मिला के दे सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा आर्टिफिशियल है ये, मैं भी पहले कबीर को ये दे दिया करती थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे रिसर्च से पता चला कि आर्टिफिशियल चीज़ों को कम से कम देना ही बेटर है, मतलब उनको एमरजेंसीज के लिए यूज़ करो, और जितना फ्रेश होममेड आप खाना बच्चे को दे सकते हो, नथिंग लाइक दैट। तो अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ही कम कर दिया है, तो आप ये डेफिनेटली दे सकते हो। कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत हरी होता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग एनीथिंग आप ये एटलीस्ट एक हेल्दियर ऑप्शन है। एंड कभी कभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और बच्चे का भी कुछ और खाने का मन नहीं है, तो आप उसे एक सिंपल सा टोस्ट दे सकते हो, आप ब्रेड बटर टोस्ट दे सकते हो, आप ब्रेड जैम टोस्ट दे सकते हो, ब्रेड एंड पीनट बटर टोस्ट दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ब्रेड एंड एवोकाडो टोस्ट दे सकते हो, बच्चों को वो भी अच्छा लगता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हो।
अब आती है बारी मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक होता है ब्रेकफास्ट से कम 2 घंटे बाद, और इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 घंटे बाद क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आप ब्रेकफास्ट हैवी दे रहे हो बच्चे को, तो उसको 2 घंटे तक टिपिकली भूख नहीं लगती है। और कोशिश करो कि आप मिड मॉर्निंग स्नैक को फ्रूट रखो। अगर आप ये जो स्नैक्स है इसको फ्रूट पे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो बच्चे को भी पता होगा कि इस टाइम पे मुझे फ्रूट का ही ऑप्शन मिलता है, और इसी तरह से बच्चे इनकरेज होंगे फ्रूट्स खाने के लिए भी। अदरवाइज अगर आप फ्रूट्स को भी मेन मील के साथ मिक्स कर दोगे तो बच्चे भी थोड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो फ्रूट्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चों को कोई भी सीजनल फ्रूट्स दे सकते हो, डे टाइम पे बच्चों को कोई भी फ्रूट दिया जा सकता है। ये एक मिथ है कि इस सीजन में बनाना नहीं देना या इस सीजन में एप्पल नहीं देना, एनी फ्रूट कैन बी गिवन। और काफ़ी लोग तो प्रेफर करते हैं कि एक पूरा मिक्स्ड फ्रूट का प्लेट बना के बच्चों को दे दिया कि इसमें से सारे ऑप्शंस है, आपको जो खाना है खाओ। इसके अलावा आप दही दे सकते हो, दही देने का भी बहुत अच्छा टाइम होता है। जैसे कबीर को प्लेन दही खाना बहुत अच्छा लगता है, तो एक कटोरी पूरा भर के दही दे सकते हो। स्मूदीज या शेक्स बना के दे सकते हो, बट कोशिश करो जब आप स्मूदी या शेक बनाओ तो किसी एक फ्रूट को डालो। मिक्स्ड फ्रूट स्मूदीज या मिक्स फ्रूट शेक जो है वो नहीं बनाओ, एक फ्रूट का बनाओ। जैसे आप कभी मैंगो शेक बना दो, कभी बनाना शेक बना दो, कभी एप्पल शेक बना दो, तो आप ये डिफरेंट, या स्ट्रॉबेरी शेक, ये सब कर सकते हो। कभी कभी अगर बहुत ठंड का टाइम है तो आप कुछ फ्राइड आइटम कर सकते हो, जैसे कच्चा केला कर दिया, कच्चा केला फ्राई बहुत अच्छा लगता है, रॉ बनाना। पोटैटो फ्राइज आप बच्चे के लिए बना सकते हो, पनीर को थोड़ा सा सौते करके बच्चे को दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा टीदिंग हो रहा है तो आप उन्हें वेजिटेबल स्टिक्स दे सकते हो, रॉ वेजिटेबल, जैसे कि आपने गाजर की स्टिक्स पतली पतली काट के दे दी, बच्चे छोटा छोटा करके खाते रहते हैं, खीरे की स्टिक्स निकाल के दे दी, तो ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आप बच्चों को घर के बने हुए लड्डू या केक्स भी दे सकते हो, जैसे कि हमने भी अपने चैनल पे पिन्नी की रेसिपी डाली थी या बेसन की बर्फी हो गई, आई एम श्योर सबके घर में दादियाँ नानियाँ ये ज़रूर बनाते हैं, तो ये आप डेफिनेटली बना के दे सकते हो। कुछ मम्मीज़ होती हैं जिनको कुकिंग बहुत पसंद है, वो घर पे ही केक्स बनाते रहते हैं जिसमें मैदा वगैरह नहीं होता, तो कभी वंस इन अ ब्लू मून कोई वीकेंड पे आप ऐसे बना के बच्चे को मॉर्निंग में दे सकते हो, या हलवा दे सकते हो। हलवा जनरली सब बच्चों को पसंद आता है, हलवा खीर, ये सारे ऑप्शंस आप मिड मॉर्निंग स्नैक में दे सकते हो। अब आती है लंच की बारी। तो हमारे घर में टिपिकली लंच जो होता है वो फिश बेस्ड लंच ही होता है या चिकन बेस्ड लंच होता है, तो कभी जनरली जो है वो फिश करी और राइस ही खाता है, आप नॉर्मली उसको वही खाते हुए देखोगे, बट फिश का हम डिफरेंट वेराइटीज़ ट्राई करते हैं, कभी फिश का झोल, कभी फिश का झाल, कभी फिश फ्राइड, उसको राइस के साथ, राइस पे थोड़ा सा घर का बना हुआ घी डाल के पूरी जो मील है उसको अच्छे से रिच बना दिया और फिर दे दिया। कभी कभी आप बच्चों को खिचड़ी दे सकते हो, खिचड़ी में भी वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हो, घिया डाल दो, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स डाल दो। कुछ बच्चों को सिर्फ दाल राइस खाना पसंद है, वो भी एक ऑप्शन है। चिकन करी और रोटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या चिकन करी राइस बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे इस स्टेज तक रोटी नहीं खा रहे हैं उनको बहुत अच्छा तरीका होता है सिखाने का कि छोटे छोटे पीसेस कर दो और उनको सिखाओ कि कैसे डिप करते हैं करी में और खाते हैं, रोटी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बच्चों को भी मज़ा आता है खाने में। कभी आप सिर्फ पुलाव बना सकते हो, वेजिटेबल पुलाव बनाओ, साथ में दही के साथ दे दो। खिचड़ी जो है वो राइस और दाल की भी बनती है, वो ओट्स की भी बनती है, वो साबूदाने की बनती है, वो दलिये की बनती है, तो आप डिफरेंट तरह की खिचड़ी बना सकते हो। बिरयानी आप दे सकते हो बच्चे को, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, थोड़ा सा रायता बना के। मटन करी के साथ राइस एंड रोटी भी दे सकते हो। हम वीक में एक बार कबीर को मटन देने की कोशिश करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं किया। या फिर आप कोई वेज करी के साथ राइस या रोटी डेफिनेटली एक ऑप्शन है, आप दे सकते हो। जैसे राजमा बच्चों को बहुत पसंद आता है, छोले बहुत पसंद आते हैं, मटर पनीर बना सकते हो, डिफरेंट तरह के आइटम्स। कभी कभी मटर मशरूम बना लिया, पनीर की भुर्जी बना ली, मिक्स्ड वेज, भिंडी, भरता, सांबर, जो भी ऑप्शन आपको लगे ऐसा कुछ बना के आप दे सकते हो। कभी कभी मन करे तो फ्राइड राइस बना सकते हो, वेज फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, एंड रेयरली हफ्ते में बस एक बार आप कभी बच्चे का अगर बहुत मन है तो उसे पास्ता बना के दे सकते हो। पास्ता के को थोड़ा सा लिमिटेड रखना ही बेटर होता है, बट पास्ता डेफिनेटली आप बना के दे सकते हो। टिपिकली बच्चे लंच खाने के बाद सो जाते हैं और थोड़ा सा लंबा नैप लेते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे जनरली दिन में एक ही नैप लेते हैं, और जब वो उठते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो एनर्जी है वो वापस लाने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं कि दूध पी लिया, बट क्योंकि शाम में और डिनर में टाइम होता है तो कुछ शाम का स्नैक बच्चे को देना अच्छा ऑप्शन है। विंटर्स में बेस्ट रहता है सूप, आप डिफरेंट तरह के सूप्स बना के बच्चे को दे सकते हो। चिकन सूप हो गया, खरोड़ों के सूप की रेसिपी हमने अपने चैनल पर डाली थी, वेजिटेरियन सूप्स हो गए, आप सब बना के बच्चे को दे सकते हो। इसके अलावा कभी बच्चे को फ्रेंच टोस्ट बना दिया, कभी उपमा बना दिया, तो बेसिकली ब्रेकफास्ट से आप काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो निकाल सकते हो। मैंने यही सारे ऑप्शंस ब्रेकफास्ट वाले भी यहाँ पे डाले हुए हैं। द ओनली डिफरेंसेस जो मैंने यहाँ डाला है वो है एक टिक्की,
तो इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे है, जैसे आलू पनीर की टिक्की बना दी, साबूदाने की टिक्की बना दी, पकोड़े बना दिए, ये भी वो ऑप्शंस है जब बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चे को ये खाने का मन है तो आप ये दे दो। अदरवाइज जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग के इतने सारे ऑप्शन बताए उसमें से आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो लाइट, बट ये ध्यान रखना कि इवनिंग स्नैक लाइट होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को डिनर तक भूख नहीं लगती है, बिकॉज एज इट इज़ इवनिंग में उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती नहीं है, तो इसलिए उनको कुछ लाइट देना ही अच्छा होता है और क्वांटिटी को भी थोड़ा कम रखो। अब बारी आती है डिनर की, तो डिनर में बच्चों के साथ ये टोटल मिथ है कि बच्चों को राइस नहीं देना चाहिए, ग्रोइंग बच्चों को खाने में राइस वगैरह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइस उनके लिए सबसे लाइटेस्ट मील होता है, इसीलिए जो उनका फर्स्ट फूड जो वो नॉर्मली शुरू करते हैं वो राइस से शुरू करते हैं, इसीलिए ये एक टोटल मिथ है। आप बच्चों को रात को राइस रोटी जो मर्जी देना चाहें दें, बच्चे का रात को पेट भरना ज़रूरी है, अगर पेट नहीं भरता है तो उस वजह से बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली रात को परेशान होकर उठता रहता है, क्योंकि अब बच्चे की बॉडी भी जो है वो यूज़ टू हो चुकी है पूरी मील्स खाने के। तो रात के ऑप्शंस भी काफ़ी सिमिलर हैं आफ्टरनून ऑप्शन से ही, जैसे फ़िश करी राइस, राइस एंड दाल, चिकन करी राइस रोटी, पुलाव कर्ड, खिचड़ी, बिरयानी, फ्राइड राइस, वेज करी के साथ रोटी या राइस, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप बच्चे को दे सकते हो। और फाइनली आता है बेड टाइम, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप बच्चे को बेड टाइम से एक डेढ़ घंटा पहले खाना खिला दो, और क्योंकि एक बेड टाइम भी पूरा रूटीन होता है, जब बच्चे को क्लीन करते हो, उसके सारे कपड़े चेंज करते हो, उसके साथ कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो ताकि आप बच्चे को काम कर सको, तो होता क्या है कि बाय द टाइम बच्चे को नींद आती है उसको थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए बच्चे को हमेशा मिल्क ऑफर करो। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है तो मोस्ट लाइकली बच्चा अपने आप ही रिजेक्ट कर देगा, अगर नहीं करता है तो वो थोड़ा बहुत दूध पी लेगा जिससे उसका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा और बच्चा आराम से सो जाएगा। तो ये था एक सैम्पल फूड चार्ट। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि डोंट गो बाय कि इतने सारा बच्चा इतना सारा खा रहा है, बच्चा इतना सारा नहीं खा रहा है, ये सारे सिर्फ ऑप्शंस हैं जो आपको मील प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स में इनमें से क्या ऑप्शंस को यूज़ करना है। क्वांटिटी बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करती है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के हिसाब से जाने पे, जहाँ मेरा बच्चा डिसइंटरेस्ट शो करता है कि अब उसने 5, 6, 8 चम्मच 10 चम्मच भी कभी कभी खा लिए और अब उसे लग रहा है कि और नहीं खाना है, वहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द चाइल्ड कि मुझे लगता है कि इतनी प्लेट उसको ज़रूर खानी चाहिए तो ज़रूर खानी चाहिए। मेरा ये ज़्यादा बिलीफ होता है कि उसके हंगर के इंडिकेशन पे जाओ, इंस्टेड ऑफ अपने इंडिकेशन पे कि नहीं उसके पेट में अभी भी इतनी जगह होगी। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो स्पेस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा हम पुश करते हैं उतना ही ज़्यादा बच्चे अवे होते जाते हैं ये पूरे फूड के प्रोसेस से, तो ये आपको ध्यान में रखना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं आपको कुछ 3-4 ऐसे टिप्स दूंगी जो गुड टू डू हैं, मैं ज़रूर करती हूँ, अगर आप करना चाहें तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले बच्चे को एक चम्मच शहद दे सकते हैं, स्पेशली जिन बच्चों को खांसी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जिनका गला ख़राब रहता है, उनके लिए ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। शहद से जो है गले को काफ़ी एक आराम सा मिलता है, तो दैट वेज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उसके बाद बच्चे को ब्रश ज़रूर करा दें। सेकेंड, गुड़ जो है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ होता है, वो खाने के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा देना बहुत अच्छा रहता है, जिससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और गुड़ बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का भी, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी अच्छा हेल्दी फूड मिलता है। इसके अलावा जायफल, जायफल बच्चे को कैसे देना है उसका एक वीडियो है हमारे चैनल पे, तो जायफल आप बच्चे को विंटर्स में तो 3-4 बार ज़रूर दो और समर्स में 1-2 बार हफ्ते में दे दो, इससे बच्चे की बॉडी में काफ़ी अच्छी गर्मी बनी रहती है, तो दैट वेज ये जितनी भी सर्दी वगैरह है ये काफ़ी अवॉइड हो सकती हैं। तो ये जनरल गुड टू नो टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, अगर इसके अलावा आपके पास कुछ टिप्स हों तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना, आई वुड ऑल्सो लव टू नो, मैं भी एक मॉम हूँ, कॉन्स्टेंटली जानना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके बच्चों को डेफिनेटली हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रेड बटन नीचे दिया हुआ है, एंड डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो करना, और अगर आप कबीर को ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हुए या कबीर की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हो तो उसका अपना चैनल है बाय द नेम ऑफ कबीर पायत, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को विजिट ज़रूर करना, आई एम श्योर आप उस चैनल के सब्सक्राइबर डेफिनेटली बनोगे।